मोदी मैजिक को चलना ही है। मोदी कोई राजस्थान वाले जादूगर की तरह जादूगर नहीं है। मोदी जी ने सेवा की, मोदी जी ने तपस्या की, मोदी जी ने सेवा भाव से, अखंड रूप से सेवा भाव से सेवा की है। ये उस सेवा का प्रसाद है जो जनता ने उनको प्रदान किया है। जो वोट बैंक की राजनीति करते थे, क्षुद्र राजनीति करते थे, समाज को देश को बांटने की राजनीति करते थे, उनको पूरी तरीके से जनता ने नकारा है। और तीनों प्रदेशों में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनी है। यही मोदी मैजिक है कि मोदी जी की तपस्या को, मोदी जी की सेवा को, मोदी जी की सेवा को, मोदी जी की कर्तव्य निष्ठा को जनता ने आशीर्वाद दिया, उसको स्वीकार किया। अच्छा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का नतीजा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, क्या लग रहा है? नहीं, भ्रष्टाचार करेंगे और महादेव के नाम पर करेंगे तो महादेव का श्राप तो लगेगा ही। तो ये तो वास्तव में, और जो फर्जी जिस प्रकार की राम भक्ति, जाने क्या क्या चीजें कर रहे थे। इनको राम तब याद नहीं आए जब इनको राम याद आने चाहिए थे, इनको तब याद आए वोट बनने के नाते उन्होंने राम को भी याद किया। तो भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से नकार दिया है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी वही हुआ है और जैसा राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों में हुआ है। और वास्तव में ये मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और कुल मिलाकर के तो जनता की जीत है। जनता ने भरपूर स्वीकार किया है कि हाँ, मोदी जी हमारे अभिभावक हैं, मोदी जी हमारे नेता हैं, मोदी जी के नेतृत्व में ही हम चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो आगे बढ़ सकता है। महापौर हरिकांत अहलुवाल जी हैं। हरिकांत जी, देख रहे हैं कि बिल्कुल इस तरीके से नतीजा है कि सुबह से आप लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। देखिए, ये जो तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, ये जनता ने सीधा सीधा एक संदेश दिया है कि ये जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, इसमें परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं, जो उनकी कार्यशैली है, या देश की जनता जितना उन पे विश्वास करती है, तो ये सीधा सीधा दिखाई दे गया है कि जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और लगभग 350 से 400 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर लोकसभा में देश में दोबारा सरकार बनाएगी। देखिए, जब इस तरीके से बेमेल गठबंधन होता है कि आपस में विचार नहीं मिलते लेकिन सिर्फ मोदी जी से टक्कर लेने के लिए गठबंधन होता है, वो फेल ही होगा। और आदरणीय मोदी जी ने इतने काम किए हैं, इतना विकास किया है और आखिरी पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया है, उसका असर ये दिखा है। दूसरी बात, मोदी जी ने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है। आप चाहे वो लाली बहन का हो, चाहे ये बस में भी फ्री सफर हो, चाहे अब लाली चीज बताइए, जो लाली योजना थी और 33% महिलाओं को आरक्षण की जो बात की गई थी, आपको लग रहा है कि उसका भी असर कहीं ना कहीं? वही, उसी पे मैं आ रही हूँ कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास करके जो महिलाओं को तोहफा दिया है आदरणीय मोदी जी ने, उसका भी असर है। और सब ये मिला जुला कर, सबसे बड़ी बात है जो योजनाएं हैं मोदी जी की, वो हर वर्ग तक, हर व्यक्ति तक पहुंची है और वो हर व्यक्ति के मन में मोदी जी घुस गए। और उनके जनता जनार्दन जो है, केवल मोदी जी के अलावा किसी की सोचता नहीं है, उनके लिए केवल मोदी जी से नहीं, मोदी जी के नाम पर इस तरीके की प्रचंड जीत दोनों तीनों राज्यों में हुई है। और छत्तीसगढ़ की तो कोई समझ ही नहीं आता, दूसरा दिन केवल हम ही लोग बोल रहे थे कि जीतेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।